इन दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल फेविक ज्ञान। तो अभी कुछ आज कुछ ब्रांडेड गारमेंट्स के विषय में, जो ब्रांडेड जो हमारे कॉटन बेस के कपड़े होते हैं, तो उसके विषय में बताते हैं। तो हमारे पास ये दो पैंटें हैं कैंटाबिल की। कैंटाबिल इसमें जो ओरिजिनल कैंटाबिल है, और ये 1989 में शुरू हुई थी ये कंपनी, यानी 1989 में शुरू हुई थी ये। तो ये क्या कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसको पहन रहा हूँ, इसी ब्रांड को। तो इसमें क्या कि इसकी जो स्टिचिंग होती है बिल्कुल सेम, जैसे राइट हैंड पे ये पॉकेट है, साइड पॉकेट, उसके साथ में छोटी पॉकेट है ये है। उसके साथ में ये जिपर के साथ में रिंकल फ्री, यानी रिंकल फ्री का मतलब इसमें जो कहते हैं ना बुरशिंग आ जाती है, वो है रिंकल फ्री होती है ये। यानी इसको मोड़ो तो मुड़ती नहीं है, एक तरह का रिंकल फ्री होती है, क्रीज नहीं बनती इसके ऊपर। तो जैसे आप इसको इकट्ठी कर रखेंगे तो झाड़ेंगे सीधी हो जाएगी। तो उसमें क्या कि ये इसका वाश केयर है। वाश केयर में ये नॉर्मल वाश कर सकते हैं, यानी 30 डिग्री के ऊपर, यानी नॉर्मल पानी 30 होता है। डू नॉट ब्लीच, यानी इसको कॉटन के कपड़ों को, खासकर कलर कपड़े होते हैं उसको हम ब्लीच नहीं कर सकते। मीडियम पे वॉश कर सकते हैं, जो इसके प्रेस के अंदर जो दो बिंदी दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब होता है मीडियम। एक का मतलब होता है स्मॉल, यानी उसको स्मॉल एक तरह हल्का करेंगे, और हाई पे, हाई का मतलब 3 होती है। तो उसी तरह इसमें टम्बलर कर सकते हैं, तो इसको हैंग ड्राई का निशान बना हुआ है, तो इसका वॉश केयर है ये। तो क्या है कि ये हमारी जो पैंट है, इसका जो कलर बिल्कुल सही है, कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है कलर। और ये हमारा दूसरा है, ये भी कैंटाबिल की है, बिल्कुल सेम वही है कि इसमें ये पॉकेट है, पॉकेट के साथ में ये छोटी पॉकेट है, और ये इसमें रिंकल फ्री, इसके अंदर जिपर के पास में ये लगा हुआ है, इसका लेबल लगा हुआ है, और इसका ये वॉश केयर है कैंटाबिल का। तो क्या है कि ये एक डल हो चुकी है, ये डल ऐसे होगी जैसे डाइनम पे हो जाती है ना, जो कलर कट जाता है, जैसे जगह वाइटनेस आ जाती है, जैसे हमारे डाइनम के अंदर आती है। तो क्या ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारा हैजर्ड जो केमिकल होता है, यानी जो हम सर्फ सोडा यूज़ करते हैं इसके अंदर, सोडा कोई भी सोडा हो, खासकर कास्टिक सोडा कपड़े को काटता है, उसको कहते हैं ना मैल काटने के लिए, लेकिन कपड़े के कलर को भी वो डल करता है। तो क्या है कि जब भी आप किसी कॉटन के, खासकर कॉटन बेस में कलर गारमेंट को करते हैं, तो उसके लिए NID यूज़ करें, नॉनानिक लिक्विड सोप, या शैम्पू यूज़ करें, यानी सॉफ्ट जिसके अंदर सोडे की मात्रा ना हो, हो तो उसके अंदर यानी बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी अमोनिया लिक्विड यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अमोनिया लिक्विड भी एक तरह का सोडे का काम करता है, सोडियम कार्बोनेट का ही काम करता है। तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी ये जो चीज़ें हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे कपड़े सदा बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे, नए बने रहेंगे। तो ये होती हैं कि जो हमारे रफ एंड टफ, जैसे नीला सर्फ डाल दिया, जो भी मिला साबुन, रिन साबुन रगड़ दिया, कोई भी साबुन, 5 भाई 6 भाई जो भी साबुन होता है, कोई भी रगड़ के साफ कर दिया। बाकी जैसे टीपोल है, टीपोल की जो विधि बताई है, 10 लीटर पानी के अंदर आप उसमें ऐसी सैलरी डालें, उसमें दो होती हैं, एक ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, ब्राउन ज़्यादा सही मानते हैं। तो जैसे 10 लीटर पानी के अंदर नॉर्मल पानी लें आप, और उसके अंदर आप 1 kg 1 किलो उसके अंदर ऐसी सैलरी थोड़ा थोड़ा डाल के उसे चलाते रहें, उसके अंदर फिर आप 200 ग्राम कास्टिक सोडा थोड़ा थोड़ा करके डालें, और डंडे से घुमाते रहें उसको, और उसके बाद उसमें 100 ग्राम TSP यानी नमक डालें, नमक डालते हैं गाढ़ा करने के लिए, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, झाग वाला शीतल रखने के लिए। तो उसमें हम यूरिया यूज़ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र होता है खेतों में डाला जाता है, तो उसको डालने के लिए हम उसमें कम से कम टाइम का जो अंतर रखते हैं 4 से 5 घंटे, यानी 5 से 6 घंटे का उसमें अंतर रखते हैं, उसके बाद उसको हम डालेंगे। तो क्या है कि एक हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन वो रफ एंड टफ कपड़ों के लिए होता है, जैसे हमारे हार्ड वर्किंग कपड़े होते हैं जिसके अंदर एक दुनिया भर के उसमें कहते हैं ना चिकनाई, धूल, मिट्टी, ग्रीस, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग वाले जो कपड़े होते हैं उसको हम रफ एंड टफ कपड़े बोलते हैं, उसको हम वॉश कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इन कपड़ों को भी अगर मान लो किया, बाकी किसी भी कपड़े को आप वॉश करें, वॉश करने के बाद उसको एस्टिक एसिड जरूर करें, एस्टिक एसिड यानी विनेगर जरूर करें, हमारी माता बहनें, हमारी जो बच्चियाँ हैं कि वो ध्यान रखें, जब भी किसी भी गारमेंट को किसी भी सर्फ साबुन सोडे से कर रहे हैं, तो लास्ट में खंगाला ही, आपने एक बार खंगाल लिया, दूसरी बार खंगाल लिया, तो उसमें
एस्टिक एसिड, जैसे 10 लीटर पानी के अंदर आप उसके अंदर 10 ग्राम भी डालेंगे एस्टिक एसिड, एक ढक्कन एक कैप भर के, तो उसके बाद कपड़े को एक दो मिनट डिप करें, उसके बाद उसको कपड़े को हाइड्रो कर दें, तो जितना भी एक्सेस केमिकल है वो निकल जाएगा, कपड़ा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, कलर उसके चमकीले हो जाएंगे और कीटाणु रहित हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखना है। तो ये बाकी ये कपड़े जैसे हमारे डल हो चुका है, ये हमारा जो है ये हल्का सा ग्रीन और येलो शेड पे है और ये रेडिश पे जा चुका है। रेडिश पे इसलिए गया है कि ये हमारा हैजर्ड केमिकल से ये इसका कलर के मैल के साथ में कलर को भी ये खा चुका है, ख़त्म कर चुका है। तो क्या है कि इसको हम सिलिकॉन या शॉर्पनर कर सकते हैं, उससे क्या है कि थोड़ा सा ये एक तरह इसका रिपेयर हो जाएगा, यानी उसमें एक हैंड फील बहुत अच्छी आएगी और पहनने में सुखद एहसास होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बारीकियों को आप बिल्कुल हाथ में लेके चलें तो बाकी आपकी क्वालिटी बिल्कुल निखर के आएगी। बाकी अगर बोलने में कुछ आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी दिक्कत चल रही है। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल दिल ये करता कि मैं आपके लिए क्या करूं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहते हैं ना बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शरीर साथ देगा तो बिल्कुल आप बने रहें, जुड़े रहें। तो दोस्तों इसी तरह नए नई चीज़ें आप तक, नई नई हैं पुरानी चीज़ें लानी, लेकिन क्या कि इनको थोड़ा माइंड में लेकर रिमाइंड करना ये हमारा काम है। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।